हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूं, जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। दोस्तों, पहली टिप है हमारी केले के छिलके को लेकर। हम केला खाकर छिलके को फेंक देते हैं, मगर आज मैं इसका बहुत ही अच्छा यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले आपको केले को किसी बर्तन में रख देना है, भगोना पैन किसी भी बर्तन में आप इस केले के छिलके को डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें डालिए एक गिलास के करीब पानी। केले को पानी के साथ इतना उबालना है कि केले का छिलका काला पड़ जाए। तो हमें तब तक इसे उबालना है जब तक छिलका काला ना पड़ जाए। तो केले का छिलका काला पड़ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे देखिए, मैंने बारीक पीस लिया है। अब इस केले के मिश्रण को हम एक तड़के पैन में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, करीब आधा चम्मच के बराबर हम इसमें हल्दी डाल देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे एक से डेढ़ चम्मच सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धीमी आंच पर इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट के करीब इसे हमें भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही रखना है। दोस्तों कुछ लोगों के घुटनों में पानी भर जाता है या फिर कटलेट खिंच जाती है, तो उठने चलने बैठने में घुटने में से कट कट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उनके घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो आप इस नेचुरल रेमेडी को बनाकर हल्का गुनगुना ही घुटनों पर लगा दीजिए। उसके बाद आप एक कपड़े से इसे बांध दीजिए। इसे आप लगातार 4 से 5 दिन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीनों चीज़ें नेचुरल हैं, केला हल्दी और तेल। ये तीनों चीज़ें घुटनों पे जाके बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। तो इसे जब आप रात के समय करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये घुटने में रात भर बंधा रहेगा, जिससे ये अपना वर्क और भी ज़्यादा समय तक के लिए करेगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों, दूसरी टिप है पिलो को लेकर। जब भी हम अपने सर में तेल लगाते हैं या फिर तेल की चम्पी करते हैं, खास तौर पर रात में, तो आप कितना भी अच्छा पिलो कवर क्यों ना लगाइए, उसके ऊपर तेल लग ही जाता है और तेल के दाग इतने जिद्दी होते हैं कि आसानी से नहीं जाते हैं। और धीरे धीरे ये तेल का दाग इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब भी आप अपने सर में तेल लगाइए, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिए। आप ले लीजिए कोई सा भी पुराना टी शर्ट। तो मेरा तकिया काफ़ी बड़ा था, तो मैंने फ्री साइज़ का टी शर्ट लिया हुआ है। अब टी शर्ट के आस्तीन को आप अंदर कर दीजिए। आप चाहें तो पहले अंदर कर सकते हैं या फिर पिलो डालने के बाद भी इसे अंदर कर सकते हैं। तो अब आपको टी शर्ट के अंदर पिलो को डाल देना है। इस तरह के पुराने टी शर्ट तो अक्सर सभी के घरों में पड़े ही होते हैं। तो आप इस तरह के पुराने टी शर्ट के अंदर इस पिलो को डाल दीजिए। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फिट हो गया है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे आप अंदर की तरफ दबा दीजिए। अगर पिलो छोटी हो तो छोटा टी शर्ट लीजिए और बड़ी है तो बड़ा टी शर्ट लीजिए। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फिट हो गया है। अब आप इसका यूज़ करिए, जो भी तेल होगा वो टी शर्ट में आ जाएगा, अंदर आपका पिलो कवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर आप इस टी शर्ट को निकाल कर धुल दीजिए और फिर दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप है दोस्तों इस तरह के मैट को लेकर। ये मैट काफ़ी फिसलता है, जिससे बच्चे और बुजुर्गों के गिरने का डर रहता है। तो अगर आपके पास इस तरह का मैट है तो आप एक टिप फॉलो करिए। आप पहले मैट को उल्टा कर लीजिए, उसके बाद आपको ले लेना है डबल साइडेड टेप और इस टेप को आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आप इस मैट पर चारों कॉर्नर पर इस टेप को लगा दीजिए। चारों कोनों पर डबल साइडेड टेप लगाने के बाद इसके ऊपर का कवर निकाल कर
जहाँ पर भी आपको इसे लगाना है वहाँ पर लगा दीजिए, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब ये बिल्कुल इधर से उधर नहीं सरकेगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो जब भी आपके पास इस तरह का मैट हो आप इस टिप को फॉलो करिए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों जब हम बाज़ार से बिंदी लेकर आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिंदी का गम सूखा हुआ होता है, जब इसे हम लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से माथे से निकलने लगती है, या फिर गम इतना ज़्यादा चिपका हुआ होता है कि जब इसे हम निकालते हैं तो बिंदी कागज़ के साथ ही निकलने लगता है। तो जब ये प्रॉब्लम आपके साथ हो तो आप एक छोटी सी टिप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तवे को ले लेना है, चाहे आप रोटी बनाकर इसे करें या फिर रोटी बनाने से पहले भी इस काम को कर सकते हैं। तवा गर्म रहना चाहिए, तो तवे को गर्म करने के बाद आप इस पर अपने बिंदी के पत्तों को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जैसे ही आप गर्म तवे पर बिंदी के पत्तों को रखेंगी बिंदी का जो गम है वो मेल्ट होने लगेगा और ये फिर से उसी तरह से वर्क करने लगेगा। जब भी आप इसे फिर माथे पर लगाएंगी तो ये काफ़ी देर तक आपके माथे पर चिपका रहेगा और अगर कागज़ के सहित ही बिंदी निकल रही है तो वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि गम जो है वो मेल्ट हो जाता है, वो सूखा हुआ नहीं रहता है। तो अगर आपके साथ इस तरह प्रॉब्लम है तो आप जब भी रोटी बनाइए या फिर रोटी बनाने से पहले इस काम को कर लीजिए, इससे आपकी बिंदियां सही हो जाएंगी। अगर आपके पास पुरानी से पुरानी भी बिंदी पड़ी हुई है और उसका गम सूख गया है तो आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए बिंदी का गम मेल्ट हो गया है और ये चिपचिपा सा हो गया है। अब आप जब इसे लगाएंगी तो ये काफ़ी देर तक माथे पर चिपका रहेगा। देखिए इसे मैं हाथों पर लगा कर आपको दिखा रही हूँ और इसे मैं रगड़ कर भी आपको दिखा रही हूँ। गम मेल्ट होने की वजह से देखिए ये कितनी तेज़ी से पकड़ा हुआ है, इसे मैं कितनी भी तेज़ रगड़ रही हूँ ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बिंदी भी निकाल कर दिखा रही हूँ कि इसका गम कितनी तेज़ी से पकड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि इसका गम कितना ज़्यादा तेज़ी से चिपका हुआ है। देखिए इसका गम भी आपको दिख रहा होगा। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों को बिंदी लगाने से माथे पर एलर्जी हो जाती है, उन्हें खुजली होने लगता है या फिर रैसेस होते हैं या फिर उस जगह पर दाने निकल आते हैं, उस समय पर आप ले लीजिए डिटॉल। डिटॉल सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, तो आप अपने माथे पर डिटॉल को लगाकर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करवा लीजिए, उसके बाद आप बिंदी को लगाइए। इस तरह से बिंदी लगाने पर आपके माथे में न तो खुजली होगी, न ही रैसेस होंगे और न ही दाने निकलेंगे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप है दोस्तों चार्जर को लेकर। जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल को निकालने के बाद चार्जर को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चार्जर का जो आगे वाला हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है और कभी कभी तो बच्चे इसे मुंह में डाल देते हैं, जिससे घर में दुर्घटना भी हो सकती है। तो आप एक काम करिए, आप जिस जगह पर चार्जर लगाते हैं वहाँ पर आप लगा दीजिए डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप लगाने के बाद आप इस पर लगा दीजिए क्लोथ पिन। क्लोथ पिन को लगाने के बाद अब आप इस तार को मोड़ लीजिए। जब आपका मोबाइल चार्ज हो जाए उसी समय आप इस तार को इस तरह से मोड़ने के बाद आप इस क्लोथ पिन में लगा दीजिए। इससे आपका चार्जर भी ख़राब नहीं होगा और बच्चे भी इसे मुंह में नहीं डालेंगे और ये एक जगह सिक्योर भी रहेगा, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लटका हुआ चार्जर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी टिप, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप है दोस्तों इस तरह के बर्तन को लेकर। जब हम इस तरह के बर्तन यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा फंगस आ जाता है। इसे हम कैसे भी धुल लें, बाश से, जेल से, कैसे भी धुल लें, मगर इसमें सफ़ेद सफ़ेद फंगस सा लग जाता है जो हमारे खाने के साथ जाकर हमें नुकसान पहुँचाता है। तो इस फंगस को निकालने के लिए आप गैस को ऑन कर लीजिए और उस पर आप इस बर्तन को रख दीजिए और ले लीजिए एक सूखा कपड़ा। उस सूखे कपड़े से आप अपने बर्तन को थोड़ी देर तक पोछिए। देखिए इसमें जो भी फंगस था वो इस कपड़े में आ गया है और सारा फंगस ख़त्म हो गया है और जो इसमें
में एल्युमिनियम की परत थी वो भी निकल गई है। अब आप इसमें आसानी से खाना बना सकते हैं, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी टिप? अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको मेरी वीडियो में से कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।